सब्र का फल मीठा होता है, बहुत बार सुना होगा। लेकिन कभी कभी क्या सब्र करते करते फल मीठे की जगह खराब भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और आज एपिसोड 22 ऑफ माइंडफुलनेस में लेट अस पॉज टुगेदर टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज पेशेंस, सब्र क्या है और सब्र हमें क्यों रखना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी सब्र का फल मीठा मिले। तो अगर हम बात कर रहे हैं सब्र की, तो आपको कहाँ कहाँ नहीं सब्र करना पड़ता? अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो सुबह उठते ही आपको बच्चों के साथ बहुत सब्र दिखाना पड़ता है। वो खाना धीरे धीरे खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, और स्कूल की बस का टाइम हो रहा है और आप बड़े आराम से सब्र से बैठे हैं, क्योंकि अगर आपको गुस्सा आया और उनका मूड खराब हुआ तो घर का पूरा जो वातावरण है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ आपको बहुत सब्र रखना पड़ता है। और अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो रास्ते में ट्रैफिक, तो फिर सड़क पे आपको सब्र रखना पड़ता है। तो आप अगर फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं तो फ्लाइट डिले, ट्रेन डिले, बस डिले, हर जगह आपको सब्र रखना जरूरी है। तो क्यों रखें हम सब्र? क्यों नहीं हम भड़क सकते? क्यों नहीं हम कुछ भी किसी को बोल सकते कि आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है, जब आपको सामने दिख भी रहा है कि आपके सामने की जो लाइन है वो सरक ही नहीं रही है, फिर भी आप सब्र करके पीछे खड़े हैं। तो क्यों हमें सब्र रखना चाहिए? नंबर वन, क्योंकि अगर आप सब्र नहीं रखेंगे और भड़केंगे तो उससे आपका ही स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। जी हाँ, योर पेशेंस इज लाइक योर शॉक अब्सॉर्बर। आपका जो पेशेंस है, जो सहन शक्ति करने आपकी, जो सहन शक्ति की जो आपकी प्रवृत्ति है, वो आपके लिए जरूरी है। और फिर अगर आप किसी की बात सब्र से सुन रहे हैं, यू आर गिविंग अ लिसनिंग ईयर टू समबडी, यू आर कल्टिवेटिंग गुड रिलेशनशिप। तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं जब आप थोड़ा सब्र दिखाते हैं। और तीसरे नंबर पे, बेसब्र होने से हमें सिर्फ गुस्सा आता है और हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ लोगों की बुराई ही नजर आती है, हम लोगों की कमियां ही देखते रहते हैं। तो अगर आप सब्र रखते हैं तो सब्र रखने से आपको लोगों की अच्छाई भी नजर आ सकती है और इसी तरह हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं। तो जो सब्र है उसका मतलब क्या है? शांति, आपके अंदर अंदरूनी शांति, एक एवरीथिंग विल बी ऑल राइट वाली फीलिंग, सब ठीक हो जाएगा वो वाली फीलिंग आती है कि हाँ एवरीथिंग विल बी फाइन। और जब हम सब्र रखते हैं तो वी आर एबल टू सी अ बिगर पिक्चर कि हमें अभी ये कर रहे हैं, थोड़ा आराम से करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। दिस एक्चुअली हेल्प्स अस, बिकॉज जब आप सहन शक्ति की आपको आदत पड़ जाती है तो आपको जीवन में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। यू आर एबल टू बी विक्टोरियस मोर ऑफन बिकॉज यू हैव पेशेंटली वेटेड फॉर द राइट टाइम to say the right thing at the right time. So that is called patience. अभी सबसे बड़ा जो हमारा टीचर है सब्र सिखाने का, वो है हमारा नेचर, प्रकृति। प्रकृति के अंदर आपको कितनी भी गर्मी लग रही हो, लेकिन जब बारिश ने आना है तभी आना है। आपको कितनी भी ठंड लग रही हो, लेकिन जब मौसम बदलेगा तब बदलेगा। तो यही बात हमें प्रकृति सिखाती है कि सब्र करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आजकल की जो दुनिया चल रही है, जिसमें हमें अभी सभी को अभी ही चाहिए सब कुछ, आई वॉन्ट दिस नाउ, ऐसे बेसब्री की दुनिया में सब्र कैसे सीखें? आइए ये देखते हैं। दो तीन पॉइंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सुनिए आप ज़रूर। तो सबसे पहले आप खुद के अंदर ये देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो हम हमेशा करते हैं हमारे इस एपिसोड में, आपको ये देखना है कि आपके अंदर कैसा महसूस होता है जब आप थोड़ा सब्र करते हैं।
यू फील गुड, नो यू फील कि दिस इज नाइस, कि मुझे सब्र कर रहा हूँ तो कुछ अच्छा ही होगा। तो पहले पहले आप ये महसूस करिए कि आपको कैसा लग रहा है जब आप थोड़ा सा सब्र करते हैं, और फिर आप अपने अंदर खुद को पहचानिए। When you are self-reflecting, you will be able to know what you are actually. तो खुद से खुद के लिए ही सब्र रखना है, खुद को खुद के साथ ही सब्र रखना है। Because sometimes you become so impatient with others and you don't know what other person feels when you are showing that impatience. आप जब बेसब्रे हो जाते हैं तब सामने वाला को कैसा महसूस होता है वो आपको पता नहीं चलता है। तो इसलिए खुद को ये महसूस करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम सामने वालों के साथ सब्र दिखाते हैं, सहन शक्ति दिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी हमारे साथ थोड़ा सब्र दिखाएगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ अगर आप प्यार से सब्र से बात कर देंगे वो भी आपको आराम से जवाब वैसे ही देंगे धीरे धीरे। और जब आप पेशेंटली काम करते हैं, आपका पेशेंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सीखना भी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, यू कैन से माई नेचर इज़ लाइक दैट, बट देन यू कैन लर्न टू बी लिटिल पेशेंस बाई यूजिंग माइंडफुलनेस। आराम से खाइए, आराम से काम करिए, तो आप अपना ये पेशेंस लर्न कर सकते हैं। तो आपका सब्र बहुत लोगों के लिए एक गिफ्ट हो सकता है। यू कैन बी गिविंग अ गिफ्ट ऑफ योर पेशेंस टू सो मेनी पीपल हु रियली वॉन्ट टू जस्ट हैव समबडी अराउंड टू लिसन। किसी किसी को सिर्फ कोई चाहिए जो उनकी बात सब्र से सुने, बस। कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, बस सुनिए। तो आपका सब्र उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो सकता है। तो ज़िंदगी में फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं। तो जो सब्र है वो उस शूज़ का, उस जूते का काम करता है जो हमें कांटों पे भी चला सकता है, सही है ना? तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि सब्र इम्पॉर्टेंट है, सहन शक्ति इम्पॉर्टेंट है। तो सब्र करिए, खुश रहिए और ज़िंदगी में जीने की एक उम्मीद बनाए रखिए। नमस्कार।